नेताजी हाजिर हो, नेताजी हाजिर हो, नेताजी हाजिर हो। नमस्कार, मैं हूं अनिल पांडे। HW24 न्यूज के सभी दर्शकों का हम स्वागत करते हैं। आज नेताजी हाजिर हो कार्यक्रम में हमारे साथ चर्चा के लिए जो शख्सियत मौजूद हैं वो किसी भी परिचय के मोहताज नहीं। आज हम उनसे मध्य प्रदेश के जो राजनीतिक हलचल चल रही है उस पर चर्चा करेंगे। साथ ही हम उनसे पुरानी कांग्रेस और आज की कांग्रेस, क्या इसमें फ़र्क आ गया है या नहीं आया है, ये इन सभी बातों पर हम उनसे चर्चा करेंगे। हमारे बीच उपस्थित हैं वरिष्ठ कांग्रेस नेता श्री परशुराम डंडीर जी, जो खरगोन में दो बार खरगोन विधानसभा से विधायक रह चुके हैं और वर्तमान में भी सामाजिक रूप से, राजनीतिक रूप से पूरी तरह सक्रिय हैं। परशुराम जी, आपका स्वागत है स्टूडियो में। मैं सबसे पहले ये जानना चाहूँगा, तकरीबन 35 साल से ज़्यादा आपका राजनीतिक अनुभव है और इस दौरान आपने राजनीति को काफ़ी नज़दीकी से देखा। कई वरिष्ठ नेता आए गए और तब से आप कांग्रेस में कार्य कर रहे हैं। जब आप विधायक थे, तकरीबन मैं समझता हूँ कि इस चीज़ को 10 साल से ज़्यादा, 20 साल बीत चुके हैं, दो दशक हो गए हैं। दो दशक पहले की जो कांग्रेस थी और आज की कांग्रेस है, उसमें क्या परिवर्तन देख रहे हैं? साथ ही मैं एक चीज़ और जोड़ना चाहूँगा कि कांग्रेस में इस बात को लेकर जो युवा पीढ़ी आ रही, उनका सबसे बड़ा आरोप है कि हमारी अनदेखी की जाती है। युवा पीढ़ी की अनदेखी नहीं की जाती। युवा पीढ़ी में जो योग्य लोग हैं जी, उनको तो सम्मान मिलता है, परंतु आपने जो कहा ना कि इन 20-25 सालों में जो परिवर्तन आया है जी, कुछ ऐसे लोग भी आ गए हैं जिनके कारण कांग्रेस की छवि भी खराब होती है जी। ऐसे लोगों को अगर कांग्रेस अनदेखा नहीं करेगी तो फिर और ज़्यादा नुकसान उठाएगी, तो ऐसे लोगों को तो अनदेखा करना ही पड़ेगा। और मैं यही बता रहा था कि एक 20 साल पहले जब आप विधायक थे, आप क्षेत्र में जाते थे, कार्य करते थे, उस समय आप लगातार दूसरी बार विधायक बने, तीसरी बार आपका किन्हीं कारण से टिकट नहीं हो पाया। अब वो क्या कारण थे अंदरूनी ये बताया गया कि कुछ लोगों ने, कि जो कुछ लोग थे जो नहीं चाहते थे कि आपका वर्चस्व बना रहे। होता है राजनीति में, सब होता है जी। ये चीज़ें कहाँ तक सही है ये आप जानते हैं और पार्टी जानती है, लेकिन उस समय आप जब कार्य करते थे तो क्या कठिनाइयाँ सामने आती थी, उनको किस ढंग से आप दूर करते थे, किस ढंग से आम वोटर को या आप जनता को अपने साथ जोड़ते थे? और आज के जो दौर है, एक 20 साल में इतना परिवर्तन आ गया है कि लोग सिर्फ यही सोचते हैं कि वोटर स्वार्थी है, कुछ शराब बांट दो, कुछ पैसा बांट दो, कुछ सपने दिखा दो, जीत तय है। कहाँ तक सच है? बड़ा अजीब सा प्रश्न है। वर्तमान परिवेश में और उस परिवेश में मैं आपको बहुत ईमानदारी से बात बताऊंगा कि जब मैं पहला चुनाव लड़ा तो केवल मेरे जेब में वो जो सिक्योरिटी के पैसे 5,000 जमा करने होते थे वो पैसे ही थे मेरे जेब में। मेरे कई गांव के कार्यकर्ताओं ने बूथ पर भेजा हुआ पैसा वापस भेज दिया। बोले हमको आपसे 5 साल काम लेना है, हम अगर आज आपका पैसा ले लेंगे तो आपसे काम नहीं करा पाएंगे। ये मनोदशा थी लोगों की, ये लोगों की इच्छा शक्ति थी उस जमाने की। और आज तो आप देख ही रहे हो कैसे चुनाव हो रहे हैं। वही मेरा यही कहना है कि जो शुचिता थी राजनीति में, धीरे धीरे वो कम होती जा रही है। चुनाव आयोग लगभग सभी राजनीतिक जिम्मेदार, चुनाव आयोग भले ही से कह दे कि आपको इतना ही खर्च करने की पात्रता है और इससे ज़्यादा खर्च आप नहीं करोगे, पर एक एक चुनाव में 10-10, 12-12, 15-15, एक एक विधानसभा चुनाव में भी करोड़ खर्चा होता है और उसके बाद भी चुनाव आदमी हार जाता है। पैसा ही सब कुछ नहीं होता है, आदमी का वर्किंग सबसे ज़्यादा मायने रखता है और जिसका वर्किंग होगा, और ये जब पहचान होती है, एक साल आदमी जब 5 साल, एक बार आदमी जब 5 साल काम कर लेता है तो फिर उसकी पहचान बनती है।
कि उसकी 5 साल की कार्य पद्धति क्या रही और वो किस तरीके का काम कर रहा है, उसके उसको देखकर उसकी तुलना कर कर उसको तराजू लगा कर फिर लोग वोट देते हैं। ये मैंने अपने आज के समय में तो व्यक्ति विधायक या सांसद बना 3-4 महीने में उसके बाद तकरीबन 25-40 लाख की गाड़ी आ जाती है। और मैं इस पर कोई टिप्पणी नहीं करूँगा। नहीं, मैं वही राजनीति में शुचिता और जो एक आम जनता से जो एक राजनेता की दूरियां होती हैं, क्योंकि उन्होंने जीत के मानक जो तय करें आज के राजनीतिज्ञों ने। मैं मानता हूं कि जब आपका दौर था उस समय आप लोग जाते थे, गरीब के खटिया पे बैठते थे, उसके कंधे पे हाथ रख के उससे बात करते थे, तो क्या वो तरीका आम जनता से जुड़ने का ठीक नहीं था कि ये तरीका ठीक है? देखो साहब, जनप्रतिनिधि क्षेत्र में उतरने के बाद जी, पद पर बैठने के बाद दो प्रकार होते हैं। यहाँ दो चीजें होती हैं, एक तो ये जेब होता है और एक हृदय होता है, यही होता है वो जी। जो जेबों पर राज करता है वो बदनाम हो जाता है और जो दिलों पर राज करता है वो सिरे पाता है। चलिए, ये तो बात करी हमने जो राजनीति में कुछ विषमताएं आ रही हैं, कुछ ऐसी चीज़ें आ रही हैं कि जो नहीं आना चाहिए, लेकिन उसके लिए प्रत्येक राजनीतिक दल बोल भी रहा है और कुछ ऐसी आयोग भी बने हैं कुछ जो उन पे ध्यान रखे, लेकिन वो पूरी तरह से नहीं हो पा रहा है, नहीं हो पाता, तेज़ी लाना पड़ेगी। अब हम बात करते हैं निमाड़ क्षेत्र की, जहाँ पर आपका एक राजनीतिक कार्य क्षेत्र रहा है। काफ़ी लंबे अरसे से आप इस क्षेत्र में राजनीति करते रहे हैं। इस बार जो विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं, कांग्रेस कर्नाटक के फार्मूले पे ही चुनाव लड़ने, लगभग हर राज्य में उन्होंने सोच रहे हैं कि अब कर्नाटक के फार्मूले पे ही चुनाव लड़ा जाए। कमलनाथ जी 2-3 वादे कर चुके हैं, 2-1 वादे और उनके बाकी हैं, तो ये फार्मूले कितने कामयाब होंगे आपको लगता है ऐसा? कि हर, क्योंकि दक्षिण भारत और हिंदी भाषी प्रदेश काफ़ी परिवर्तन आ जाता है। क्या है, मतदाता की एक मानसिकता बदली है जी, और मतदाता गहरे यथार्थ में गया है जी, कि जनप्रतिनिधि जब चुनाव जीत के जाता है तो ये तो बहुत कमाने लग जाता है, उस वोट के खातिर हमको क्या मिल रहा है, इस तरफ उसकी सोच बढ़ गई। और ये मैं नहीं मानता कि ये देश के लिए घातक नहीं है, ये देश के लिए घातक है। आज अगर इतने लालच देकर हम चुनाव जीतते हैं और उस स्थिति में जबकि देश के लगभग सारे प्रदेश कर्जा है उन पे लगा है, दोनों पक्ष करते हैं, तो ये कोई चीजें बहुत बड़े मायने नहीं रख रही हैं। सवाल आ रहा है कि देश में बीते समय में घटित क्या हुआ है। कर्नाटक का चुनाव की जीत जो है राहुल जी की भारत जोड़ो यात्रा और मोदी जी का अहंकार, आपने बात प्रदेश की मैं बात अखिल भारतीय करने लग गया, नहीं वो सही है, करना मैं करना था, मैं आपको बताता हूँ, मैं आपको बताता हूँ। मोदी जी ने 2017 में कहा कि हम किसान की आय दुगनी करेंगे, हम किसान की आय 2022 में दुगनी कर देंगे। कर्नाटक में भी किसान है, मध्य प्रदेश में भी किसान है और देश में भी किसान है। मैं जब 2014 से पहले DAP लेने जाता था तो 700 रुपये में मिल जाती थी मुझे, आज वो DAP 1350 रुपये की है। मैं जब ट्रैक्टर के लिए डीजल लेने जाता था 55 रुपये में मिल जाता था, आज वो 90-95 रुपये का है। मैं जब पेस्टिसाइड लेने जाता था तो जो 200 रुपये मिल जाती थी वो आज 600 रुपये मिल रही है। तो हमारी खेती में खर्च तो दुगना और 2.5 गुना हो गया, केवल सरमायेदारों को फायदा मिले, धनपतियों को फायदा मिले, उन चीज़ों के तो भाव बढ़ गए। लेकिन देश में नया इंफ्रास्ट्रक्चर भी तैयार हो रहा है ना, उस और भी हम उसका भी ध्यान देना पड़ेगा हमको। अब भाई किसी ना किसी को तो ये बोझ सहन करना पड़ेगा। सवाल आया कि
किसान की खर्च तो डबल हो गए, आय दुगनी नहीं हुई, कर्ज में डूब गया। फिर ये कृषि काले कानून, मेरे घर में दो बेटे हैं, है ना, मैं भी सोचता हूँ कि मेरे पिताजी ने जो मुझे दिया है, अब मेरे पास दो बेटे हैं, मेरे पांच भाइयों को जो दिया है वो पांच भाइयों के लिए उन्होंने मेहनत करके बढ़ाया और पांच भाइयों को दिया है, अब मेरे भी दो बेटे हैं तो मेरे दो बेटों के लिए भी मैं कुछ करूं, ये मेरी भी तमन्ना रहती है, हर पिता की तमन्ना रहती है। ऐसे ही ये जो 600 जो देश में 600 धनपति हैं, जो देश में 600 धनपति हैं, इन धनपतियों का जो व्यवसाय चल रहा है उसके अलावा अब इनके घर में भी दो दो तीन तीन पीढ़ी हो गई हैं, उनको भी उनको काम से लगाना है। और चुनाव से पहले मैं समझता हूँ, जो मेरी मानसिकता है जी, कि एक पक्ष को कह दिया गया कि साहब हमारा ये मेनू है और इस पर अगर आप काम करोगे तो हम सारा चुनाव का देश में जितना खर्च लगता है वो करने को तैयार है, यथार्थ ये है। सरकार बनी, अब हमने जो बताया वो करो, कृषि काले कानून आ गए। यहां मैं इसको दूसरे तरीके से सोचता हूं, किसानों ने आंदोलन किया, ये बात जरूर है कि दिल्ली के आसपास के किसान वहां संगठित होकर इकट्ठा हुए, परंतु मैं नहीं मानता कि खरगोन का या देश का दूसरे किसान पर इसका असर नहीं था, इसका असर सभी दूर था, बहुत बड़ा असर था इसका सभी दूर। सरकार को कृषि काले कानून वापस लेना पड़े, मोदी जी गुस्सेल स्वभाव के हैं, उन्होंने कहा ठीक तुम किसानों ने मेरे साथ ये किया, आज सुने तो सुने, आज हम भुगत रहे हैं उसको। हमारी तुअर खेत में खड़ी होती है, कटने की तैयारी होती है, लाखों टन दाल आयात कर ली जाती है, देखो क्या हो रहा है हमारे साथ, लाखों टन दाल आयात कर ली जाती है। अभी गुजरात का चुनाव था, 30 लाख गठान निर्यात कर दी, क्यों, गुजरात में चुनाव है, कपास के भाव बढ़ाना है। जब कृषि के आंकड़े हमारे वैज्ञानिक बिल्कुल खोज के निकाल लेते हैं कि इस साल क्या उत्पादन आ रहा है, कैसी फसल है, गुजरात के चुनाव के वास्ते 30 लाख कठान निर्यात कर दी ताकि गुजरात का किसान को कपास का भाव मिले, हमको वोट दे दे, और जैसे ही चुनाव खत्म हुआ, आपको जब मालूम था कि नहीं इतना उत्पादन है, अब 30 लाख गठान आयात कर लिए, वो जो 900 और 1000 कपास बेच रहा था किसान, 9000 और 10000 किसान कपास बेच रहा था, वो सीधा 7000 पर आ गया। नहीं आपका कहना सही है, किसान की, एक मिनट और बात, नहीं मैं आपसे बोल रहा हूं, मैं वही बात आपके सामने रख रहा हूं, लेकिन इसमें थोड़ा सा मैं चाहता हूं कि आप वो पक्ष भी जोड़ करके बताएं, क्योंकि आज हम ये मान रहे हैं आप जो बोल रहे हैं किसान की दुगनी आय वगैरह, उससे अभी हम थोड़े दूर हैं, सरकार लेकिन उसके लिए प्रयास कर रही है, ये भी हम मान सकते हैं, लेकिन वो ये उन्होंने जो एक टाइम लिमिट दी थी कि 2024 तक या 22 तक, वो चीज़ें नहीं हो पा रही हैं, वो नहीं हुई हैं अभी। लेकिन हम आज किसानों की दशा देखें, आज़ादी के बाद से कांग्रेस इस देश में रही, किसानों की तो ठीक है, देश की जनता जो है वो उत्पादन की कमी के कारण मेक्सिकन गेहूं खा चुकी है, ये आपको आपको अच्छे से पता होगा, छात्र जीवन में मैंने खुद, तो आज कल हम देखें और आज हम देखें तो जो प्रोग्रेस है कृषि की, जो उत्पादन क्षमता हमारी बेहिसाब बढ़ी है, आज अभी हाल ही में घोषणा की है प्रधानमंत्री ने कि तकरीबन 2 लाख टन से ज़्यादा वो उत्पादन जो हमारा जो फसल उत्पादन है उसके लिए वो नए स्टोरेज बना रहे हैं, तो आज हम उत्पादन में कहाँ हैं। हमारा जो गेहूं था, जी मैंने बात पूरी अधूरी रह गई जी, जी हमारा जो गेहूं था, गेहूं कटाई से एक महीना पहले, सवा महीना पहले, कुछ 40 दिन पहले
2803,000 बिक रहा था जी जी, और जैसे ही गेहूँ की कटाई शुरू होने को आई 15 दिन पहले 30,00,000 टन गेहूँ जो समर्थन मूल्य का खरीदे का था वो बाजार में निकाल देना और गेहूँ के भाव 1800 और 2200 पे आ जाना। तो इतना इतना आक्रोशित मत हो किसान के प्रति, ये अन्नदाता है देश का, अगर ये लुट गया, ये अगर कमजोर हो गया। मैं एक बात बता दूं साहब, इस देश में जितना भारत पर विदेशी कर्ज है अगर सर्वे कर लिया जाए तो इतना ही कर्ज इस देश के किसान पर आएगा निकलेगा। हमारी मजबूरी यह है, इज़राइल जैसा छोटा सा देश 1 हेक्टर में 45 क्विंटल कपास का औसत है उसका, और भारत में 1 हेक्टर में 7.5 क्विंटल औसत है हमारा। अगर इस किसान को, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सभी सरकारों की बात कर रहा हूँ जी, महंगाई आ जाएगी तो वोट टूट जाएगा हमसे, गरीब रूठ जाएगा हमसे। इस देश में लूटा तो किसान ही लूटा है हमेशा, जिस अनुपात में अन्य चीजों के भाव बढ़े हैं उसकी उपयोगिता के लिए जो 70% चीज़ें वो जो बाजार से खरीदता है इसके जिस अनुपात में भाव बढ़े हैं, इसी अनुपात में अगर किसान के उत्पादन का भाव बढ़ता तो आज देश की स्थिति ये होती कि आज देश में जितना लग रहा है उतना तो किसान पैदा कर रहा है, परंतु अगर ये अनुपातिक अर्थव्यवस्था होती और इतने भाव बढ़ते जितने उसको ला रहा है बाजार से पड़ रहा है तो देश का ये किसान 3 गुना उत्पादन करता, 2 गुना उत्पादन देश से निर्यात होता और वो 2 गुना जो निर्यात होता तो भारत को कर्जा नहीं लेना पड़ता। ये मेरा अपना कहना है। आप सही कह रहे हैं, एक राजनीतिक व्यक्तित्व के साथ आप एक कृषक भी हैं और आपके जो अनुभव हैं, क्योंकि आज भी आप स्वयं खेतों में जाते हैं, हमने खुद ने देखा है, लोगों ने बताया है कि आप स्वयं खेत में जाते हैं, आप खुद बुआई करते हैं, आप खुद कटाई की ओर ध्यान देते हैं, आप खुद प्रोडक्शन को तैयार करके मार्केट तक पहुंचाते हैं, तो आपके काफ़ी चीज़ों से मैं सहमत हूं, लेकिन कुछ चीज़ें ये भी हैं कि उनके बावजूद आज देश में उत्पादन बढ़ रहा है, किसान को कुछ सम्मान निधि वगैरह कुछ चीज़ें हैं जो किसान के पक्ष में जा रही हैं, उनका उसको कितना बेनिफिट मिल रहा है नहीं मिल रहा है ये चर्चा का विषय हो सकता है। अब हम वापस लौट के आते हैं किसान सम्मान निधि की ओर, क्योंकि हमारी जो मुख्य चर्चा है, किसान सम्मान निधि 13 रुपए 17 रुपए रोज, क्या गजब है। मेरे यहाँ जो 150 में मजदूर चलता था आज 300 में भी आने को तैयार नहीं है। मैं वही बता रहा हूँ आपको कि इन मुद्दों पे हम अगर चर्चा करेंगे तो बहुत लंबी चली जाएगी। हम वापस लौट के आते हैं निमाड़ पर, क्योंकि निमाड़ की राजनीतिक चर्चा हम करने और क्या विधानसभा चला गया था, नहीं नहीं वो आपका अनुभव है। आने वाले जो विधानसभा चुनाव हैं, अभी 6 सीटों पर कांग्रेस का पिछले चुनाव विधानसभा चुनाव में कब्जा रहा, 1 विधायक जो बढ़वा के हैं वो भाजपा में के प्रति समर्पित हो गए, वैसे अभी वो फिलहाल में है कांग्रेसी विधायक ही, लेकिन ना तो पार्टी ने उनको सदस्यता से बर्खास्त किया है और ना विधानसभा में उनका मुद्दा अभी चल रहा है कि उनको कांग्रेस में रखा जाए या उनको भाजपा से मान लिया जाए। आने वाला विधानसभा चुनाव जो है वो काफ़ी कश्मकश का है, क्योंकि भाजपा ने 6 सीट गंवाने के बाद इस बार दुगनी तैयारी से उतर रही है, ऐसे में आप क्या मानते हैं जो कांग्रेस में अभी फिलहाल में यहाँ पे एक गुटबाजी हमेशा निमाड़ में रही है वो तो रहती है, क्या इस बार वो गुटबाजी और जो कार्यकर्ता जो बिखरा हुआ है, संगठित था लेकिन अब धीरे धीरे ये लग रहा है कि कार्यकर्ता बिखरता जा रहा है, उस स्थिति में किस हद तक मुकाबला कर पाएंगे भाजपा का? आप तो बड़ी चैनल के पत्रकार हैं, आपने जो कहा गुटबाजी तो आपने एक बात और देखी होगी कि भारतीय जनता पार्टी में इससे 3 गुना अधिक गुटबाजी है। जब सत्ता आती है ना तो कोई भी दल हुआ, पहले लोग कहते थे कि भारतीय जनता पार्टी का कोई भी कार्यकर्ता चुनाव आता है तो वो अलग नहीं हटता, पर हमने देखा है बहुत बारीकी से पिछले चुनावों में देखा है,
ऐसा कुछ नहीं है भारतीय जनता पार्टी में भी। लेकिन फिर भी क्या है कि भाजपा में संघ का जब डंडा चलता है तो एक छोटा सा प्रतिशत है जो विरोध में रह जाता है, बाकी सब सहमत हो जाते हैं। लेकिन कांग्रेस में जिस प्रकार से अपन पिछले जो कुछ वर्ष है उसमें हमने देख रहे हैं कि बड़े बड़े नेता जो है वो कुछ राजनीतिक मुद्दों को लेकर के पार्टी छोड़ छोड़ के चले गए, भाजपा में फिलहाल वो हालत नहीं है। तो इस स्थिति में जो निमाड़ में हम बोल रहे हैं अभी जो भाई आपने खुद ने देखा है उस गुटबाजी को काफी नजदीक से देखा है, तो मैं आपसे यही पूछना चाह रहा हूँ कि इस बार के चुनाव में क्या ये चीजें रहेंगी और ऐसी कौन सी चीजें जिससे कांग्रेस जीत का दावा करती है। अभी जो भारत जोड़ो यात्रा चली है मैं भी पहुंचा था कुछ स्थानों पर, एक जगह हम बैठे थे हमारे जिले से भी होकर गई थी जी। हाँ जी, एक जगह हम बैठे थे, दोपहर का समय था, सारे लोग रुके हुए थे, आराम कर रहे थे। हमारे प्रभारी जो हैं अग्रवाल जी, जेपी अग्रवाल साहब, वो निखरा जी और बहुत सारे लोग, सात आठ बड़े वरिष्ठ लोग बैठे थे, चर्चा चली। मैंने कहा साहब भारत जोड़ो यात्रा तो ये बहुत अच्छा असर डाल रही है, पर महोदय आप अखिल भारतीय कांग्रेस में हो, मेरा एक निवेदन है कांग्रेस जोड़ो एक अभियान और चला दो, फिर कांग्रेस नहीं आ रहेगी। चलिए बहुत अच्छा कहा आपने कि भारत जोड़ो यात्रा के साथ कांग्रेस को ये भी चाहिए कि एक बार फिर से वो अपने कार्यकर्ताओं में जोश पैदा करने के लिए, जोड़ने के लिए कांग्रेस जोड़ो यात्रा भी राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित करे। हम इस समय चर्चा कर रहे हैं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता परशुराम जी डंडीर से। उन्होंने अपने राजनीतिक अनुभव, पहले की कांग्रेस, आज की कांग्रेस, आज किसानों की क्या स्थिति है, कई मुद्दों पर उन्होंने अपने विचार व्यक्त किए। ब्रेक के बाद हम निमाड़ और खरगोन जिले से जुड़े हुए मुद्दों पर, उसके विकास को लेकर और कांग्रेस की क्या रणनीति होगी इसको लेकर के वरिष्ठ नेता परशुराम डंडीर जी से चर्चा करेंगे। फिलहाल हम एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, कहीं जाइएगा नहीं, देखते रहिए HW24 न्यूज मध्य प्रदेश। नेताजी हाजिरो, नेताजी हाजिरो, नेताजी हाजिरो, नेताजी हाजिरो, नेताजी हाजिरो, नेताजी। आप सभी दर्शकों का एक बार फिर से स्वागत है नेताजी हाजिर हो कार्यक्रम में। इस समय हम चर्चा कर रहे हैं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता परशुराम डंडीर जी से। परशुराम जी आपका एक बार फिर से चैनल पर स्वागत है। निमाड़ क्षेत्र, जैसा मैंने आपको बताया कि निमाड़ क्षेत्र में कई ऐसी समस्याएं हैं और कई मुद्दे हैं जिनको लेकर इन विधानसभा चुनाव में उसकी आँच देखने को मिलेगी। जहाँ तक औद्योगिक विकास की बात करें तो निमरानी क्षेत्र एक समय औद्योगिक क्षेत्र हुआ करता था, लेकिन अब वो बिखर सा गया, कई वहाँ की फैक्ट्रीज बंद हो गई। अब वहाँ पे जो है एक तरह से ज़मीनों पे कब्जा करके बैठे हैं, लेकिन फैक्ट्रीज बंद है। खरगोन में कॉटन मिल के अलावा आपके कार्यकाल के दौरान ही वो सुभाष यादव जी और आपने सब कॉपरेटिव के क्षेत्र में मिल के डाली थी, उसके बाद यहाँ पर ऐसा कोई बड़ा उद्योग नहीं डला है जिससे यहाँ पर स्थानीय स्तर पर रोज़गार मिल सके, जो गरीब मजदूर वर्ग है उसको रोज़गार मिल सके। आज की तारीख में यहाँ पे कोई ऐसा एजुकेशनल सेंटर नहीं है जिससे यहाँ के बच्चों को, किसानों के, जैसे आपने बताया कि कृषि बहुल क्षेत्र, उन किसानों के बच्चों को यहाँ पढ़ाई मिल सके। आज तक एग्रीकल्चर कॉलेज, आज तक मेडिकल कॉलेज, बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो हमारे यहाँ पर आज तक नहीं आ पाई और कभी वो यहाँ के लिए स्वीकृत भी हुई तो अन्य ज़िलों में चली गई। तो क्या मानते हैं आप, आज भी जो खरगोन जिला है, जो निमाड़ क्षेत्र है, वो विकास को लेकर काफ़ी पिछड़ा हुआ देश की हम स्थिति देखें तो? उद्योग को लेकर तो जो सबसे बड़ी कमी है वो क्या कारण रहे? रेल की कमी है सबसे बड़ी जो कमी है उद्योग के कारण। बाहरी कोई भी व्यक्ति नहीं, तो पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय सुभाष यादव जो थे वो एक बार तो रेल लाने के वचन के ऊपर ही चुनाव जीते थे। बिल्कुल, फिर उसके बाद भी क्या हुआ? कुछ नहीं हो पाया रेल पर, कुछ भी नहीं हो पाया रेल पर। और ये सबसे बड़ी कमी है इस निमाड़ की कि यहाँ रेल नहीं है। और रेल नहीं होने से जो है क्या होता है कि आपने निमरानी की बात कही जी, आज ये स्थितियाँ हो गई हैं कि लोग केवल और केवल
उद्योग इसलिए लगाते हैं कि उनको लोन मिल जाए और सब्सिडी मिल जाए, जो मानसिकता बन गई है। जब तक कोई बड़े उद्योगपति नहीं उतरेंगे, बहुत क्षमता है निमाड़ में, बहुत क्षमता है निमाड़, जो मक्का पैदा करता है। नीमच मंदसौर में फैक्ट्रियां हैं, निमाड़ में एक फैक्ट्री नहीं है। पर आम जो व्यक्ति है निमाड़ क्षेत्र का, जो रहने वाला है खरगोन जिले का, जो निवासी, उसके मन में तो यही है, वो कामना करता है ईश्वर के बाद अगर किसी से विकास किया, समृद्धि की, तो वो है राजनेता। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। तो आप ये मानते हैं कि इस क्षेत्र के जो राजनेता, वो किसी भी पार्टी, किसी भी दल से संबंधित हो, उन लोगों ने सही ढंग से इस क्षेत्र के विकास का स्वप्न बुना ही नहीं, तो जिसका खामियाजा ये क्षेत्र भुगत रहा। हमारे निमाड़ का टमाटर विदेशों में ख्याति प्राप्त करता है, टमाटर बहुत पैदा होता है। मेरे किसान को कभी कभी उसको 2 रुपये किलो में बेचना पड़ता है, जितनी तुड़ाई और उसको मंडी तक ले जाने का खर्च लगता है उतनी ही कीमत मिलती है उसको। तो यहाँ केचप का कारखाना खुल जाए, कितनी गुंजाइश है। आज हम, मैं आपसे आज पूछना चाह रहा हूँ, मेरी बात सुने, कि इसे ये राजनीतिक जो यहाँ से जो जनप्रतिनिधि चुने गए, यहाँ से पूर्व उप मुख्यमंत्री तक रहे हैं, यहाँ से कई दूसरे जो खरगोन जिले के विधायक रहे हैं वो मंत्री रहे हैं, उसके बावजूद भी इस जिले को कुछ नहीं मिला। नहीं, आज भी यहाँ की जनता उन नेताओं की तरफ मुंह बाए देख रही है। नहीं, आप ऐसा मत कहो कि कुछ नहीं मिला। यहाँ की शुरुआत जो हुई, सबसे पहली शुरुआत मैं कहूँ कि यहाँ का किसान गरीब साहूकारों द्वारा ठगा जाता था। सहकारिता को इतना बढ़ावा मिला कि आज किसान साहूकार के घर जाने के बजाय बैंक में जाता है। इतना उत्पादित मिट्टी है हमारे निमाड़ की, पानी नहीं था। तो नहरों की जो योजना बनी है, निश्चित तौर पर आज हम ये कहने की स्थिति में हैं कि निमाड़ का कपास विदेशों में ख्याति प्राप्त करता है। आज पंजाब के किसान से कपास से निमाड़ का कपास ज़्यादा, आज निमाड़ का गेहूं भारत में इसके मुकाबले का गेहूं कहीं नहीं है। तो कहीं ना कहीं आगे बढ़ा है निमाड़, ऐसा मत कहिए कि हुआ नहीं। पर इस क्षेत्र से जब आगे बढ़ा है तो अगली एक सीढ़ी हमको और चढ़ना पड़ेगी, और वो सीढ़ी होगी औद्योगिक क्षेत्र की। अभी एक आटा फैक्ट्री डली है, अब बहुत सारा निमाड़ के किसानों का गेहूं वहाँ बिक जाता है। अगर हर तहसील में एक इसी प्रकार की फैक्ट्री डल जाए, ये सब छोटी। देखो, मैं एक बात पूछता हूँ आपसे कि जो हमारी हरी मिर्ची है आज वो 20 रुपये किलो है, कभी 40 भी मिल जाता है हमको भाव, और कभी हमको 6 रुपये किलो भी मिल जाता है। अब वो 10 रुपये किलो की हरी मिर्ची का चटनी का पैकेट लाओ 100 ग्राम का, पता चलता 50 रुपये का है। मैं आपसे बार बार यही बोलना चाह रहा हूँ, यही पूछना चाह रहा हूँ, ये मिर्ची की या ये उद्योगों की स्थिति आज से नहीं है, ये शुरू से इसकी जरूरत है। आज़ादी के बाद से क्षेत्र का विकास हुआ है, हम उस चीज़ से इनकार नहीं कर रहे, लेकिन समुचित जो विकास होना चाहिए, मैंने जैसे बोला शिक्षा, उद्योग, बिल्कुल परिवहन, हर चीज में हम पिछड़े हुए। नहीं नहीं, हम आपके बात से, ये जो राजनीतिक जो भी नेता रहे, जिन लोगों ने क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया, वो वादे पे वादे करते रहे, लेकिन वो वादे आज तक धरातल पे नहीं उतर पाए। सब यहाँ बहुत पोटेंशियल है निमाड़ में, आप जो कह रहे हैं उत्पादन, हर क्षेत्र में लोग हैं यहाँ पे, उनके अच्छे टैलेंटेड लोग हैं, लेकिन वो टैलेंट यहीं पे ख़त्म हो गया, वो उत्पादन जो यहीं पे सड़ गया। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, ये कारण नहीं हो पाया, और ये आने वाले चुनावों में ये स्थिति धीरे धीरे लोग समझ रहे हैं इन चीज़ों को, और ये इसके लिए लगभग सभी राजनीतिक दलों को भुगतना पड़ेगा। मैं आपसे ये पूछ रहा था कि निमाड़ में जो 6 सीटें उसको कांग्रेस बचाने के लिए, जैसे कमलनाथ जी 5 वादे लेकर के आ रहे हैं, वही हो रहा है इस समय। नारी सम्मान शिवराज जी 1000 दे रहे हैं, कमलनाथ जी ने कहा कि 1500 ले लो, उन्होंने कहा कि इसमें कुछ क्राइटेरिया रखा है उन्होंने लाडली बहना के लिए, तो इन्होंने कहा 18 साल से ऊपर की सब महिलाओं को हम दे देंगे। अभी आपने कुछ देर पहले ही बताया कि प्रदेश कर दे कि आग में झुलस रहा है, उस पर फिर ये फ्री के वादे,
कल तक केजरीवाल को गाली बकते थे दोनों, आज वो केजरीवाल के पीछे पीछे, ये उस गली से फ्री दे रहे हैं तो ये इस गली से फ्री दे रहे हैं, मतलब कुल मिलाकर के नहीं, जो कल क्या होगा ये किसी को नहीं पता। तो क्या ये जो मुद्दे हैं ये निमाड़ की जनता को लुभा पाएंगे? और ये 6 सीटें जो खरगोन जिले की है ये कांग्रेस के पास रहेगी? कमलनाथ जी ने जो योजनाएं क्रियान्वित करने के लिए जो शुरुआत की है जी, हमारे क्षेत्रीय संगठन और क्षेत्रीय विधायक पूरी तरह जमीन पर उतरे हुए हैं। आप व्हाट्सएप ग्रुप पर देखते होंगे, हर जगह देख लो आप, झुमा सोलंकी या हमारी बहन विजय लक्ष्मी साहब, ये अभी अभी दिख रहे हैं, अभी ये फॉर्म भरवा रहे हैं नारी सम्मान के। बिल्कुल, इसके पहले तो ये भोपाल से सिर्फ अपने आवास या अपने कार्यालय और भोपाल लगभग जाते थे, सभी गांव-गांव जा रहे हैं और पूरे क्षेत्र के पर नज़र है, कांग्रेस संगठन की भी है और कांग्रेस कार्यकर्ताओं की भी है, और हमारा कार्यकर्ता गांव स्तर पर बहुत मजबूत है। नहीं, इसमें कुछ आपके विधायक भी हैं, जैसे आपके सचिन यादव कसरावत के विधायक हैं, सुख दुख में उनको हमेशा कार्यकर्ताओं के यहाँ आते जाते देखा है। बिल्कुल, बिल्कुल। वो जब भी अपने उसको देखा है, गृह ग्राम में आते हैं उस समय उनका दौरा बनता है कि किन किन कार्यकर्ताओं के यहाँ सुख दुख के क्षण आए हैं, तो वो जाते हैं उनसे मिलने के लिए। तो कुछ आपके विधायक सक्रिय भी हैं, सभी सक्रिय, लेकिन कई ऐसे हैं जो वादे कर रहे हैं कि हाँ ये कर देंगे वो कर देंगे, और अब जनता उनसे सवाल ये कर रही है कि भाई क्या हुआ। मैं तो नहीं मानता कि हमारा कोई एक भी विधायक इस प्रकार का है। इन चुनावों में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता परशुराम डंडीर की क्या भूमिका होगी, क्योंकि क्षेत्र के जो कांग्रेसी नेता हैं, वरिष्ठ कांग्रेसी नेता हैं, वो कहीं ना कहीं अपने आप को साइडलाइन किए जाने की भी बात आप द कैमरा करते रहे, पर ये चीज़ें आपके सामने भी आई होगी। देखिए मैं एक बात बता दूं, तो क्या उनका एक बार फिर से अनुभव का उपयोग कांग्रेस लेगी क्षेत्र में? मैं 1974 में खरगोन युवक कांग्रेस का उपाध्यक्ष था, 74 में जी, कितने साल हो गए, 26 और 23, 45 साल से ज़्यादा जी। अब आप सोचिए कि मुझे कांग्रेस ने पार्षद बनाया, मुझे कांग्रेस ने 2 बार मंडी अध्यक्ष बनाया, मुझे कांग्रेस ने 2 बार विधायक बनाया, मैं जिला कांग्रेस में महासचिव के पद पर रहा, प्रदेश कांग्रेस में महासचिव के पद रहा, तो हम तो हमारे काम से, हमारे कर्तव्यों से कभी पलायन नहीं किया, और हमेशा कोशिश रही कि कांग्रेस को मजबूत किया जाए। अब क्या है कि बड़ी अजीब सी स्थितियां पैदा हो गई, ईमानदारी से काम करने वाले लोग अब नापसंद किए जाते हैं, क्योंकि वो अच्छे बने रहने की सीख देते हैं। ऐसे लोग अगर नापसंद किए जाते हैं तो बहुत बड़ी बात बोल रहे हैं आप। अरे मैं तो जो सच्चाई है वो बोलता हूँ, मैं बड़ी बात नहीं बोलता, सच्चाई है वो बोलता हूँ। तो ये सब चीज़ें हैं, अब आने वाला वक्त बताएगा कि क्या सच है और क्या गलत है, क्या गलत है और क्या सही है। 2 बार आप खरगोन विधानसभा से कांग्रेस के टिकट पर विधायक रहे, और एक चर्चित, काफ़ी चर्चित विधायक रहे, सुभाष यादव जो पूर्व मुख्यमंत्री थे निमाड़ के, एक तरह से क्षत्रप कहे जाते थे उस समय, उनके आप कंधे से कंधा मिलाकर कॉपरेटिव और अन्य क्षेत्रों में आगे बढ़े हैं, और काफ़ी विकास जो रहा उस समय का, वो आज भी वही विकास, विकास में वही चीज़ें गिनी जाती हैं जो आपके कार्यकाल के दौरान हुआ। क्या एक बार फिर से परशुराम डंडी चुनावी क्षेत्र के रण में लड़ते हुए दिखाई देंगे? देखो, क्योंकि क्षेत्र की जनता भी इस बार चाहती है और बोल रही है, ये हमने कई सवाल करें अभी, मैं आपसे कुछ जनता से जुड़े सवाल भी पूछूंगा, तो सबसे पहले तो मैं यही जानना चाह रहा हूँ, क्या इस बार पार्टी जो निर्णय लेगी वो मंजूर होगा हमको? पार्टी अगर चाहती है कि भाई ऐसे लोग भी वापस आना चाहिए तो तैयारी करेंगे। नहीं तो आपने मन बना लिया, अगर पार्टी आपको बोलती है तो क्या आप चुनावी क्षेत्र में उतरेंगे और खरगोन सीट से ही लड़ेंगे या कोई अन्य सीट? नहीं नहीं, मैं अन्य सीट कहाँ जाऊँगा जी, जहाँ जहाँ वर्किंग किया है, जहाँ काम किया है,
मुझे तो ताज्जुब इस बात का होता है, बड़ा अजीब सा लगता है कि जब हम विधायक थे तो जो विकास राशि आती थी उससे आज 3 गुना विकास राशि अधिक आती है, और उस समय हमारी सरकार के ही प्रपोजल थे कि ये विकास राशि बढ़ी है। और आज मैं जब देखता हूँ तो गांव में जब जाता हूँ तो लोग कहते हैं कि भैया वो आपके 10 साल के कार्यकाल में जो काम हुआ है, इन 20 सालों में हमारे गांव में इतना काम हुआ ही नहीं। कहाँ क्या हो रहा है, किस दिशा में लोग चले गए हैं, बड़ा चिंतनीय विषय है। चलिए, बहुत ज़्यादा समीक्षा और व्याख्या करने की ज़रूरत नहीं है, इतने में सारी बातें आ जाती हैं। चलिए, आज ये तो स्पष्ट हो गया कि पूर्व विधायक परशुराम डंडीर एक बार फिर से चुनावी रणक्षेत्र में उतरने का मन बना चुके हैं। अब इंतजार उनको सिर्फ हाईकमान के ग्रीन सिग्नल का, अगर होता है तो इस बार खरगोन विधानसभा सीट से कांग्रेस की ओर से परशुराम डंडीर भी प्रत्याशी हो सकते हैं। कार्यक्रम के लास्ट सेगमेंट में हम आपसे कुछ जनता से जुड़े हुए सवाल पूछना चाहेंगे, जो वो चाहते हैं कि किसी भी पार्टी के राजनेता हों लेकिन वो इन सवालों का जवाब दे। गोगावा क्षेत्र से एक हमारे जो दर्शक हैं उनका एक प्रश्न है कि जो मुस्लिम वर्ग है उसी अपने क्षेत्र की वो बात करें, गोगांव क्षेत्र की, उनका ये कहना है कि जब वोट का समय आता है, चुनाव का समय आता है, तो हर दल की इच्छा होती है कि मुस्लिम वर्ग हमको वोट दे दे। विशेष रूप से कांग्रेस के साथ रहा ये दल, ये समाज, लेकिन जब विकास की, उन्होंने कहा कि विकास की बात करते हैं और हम अपने आसपास देखते हैं, तो आखिर हमसे जुड़े किन मुद्दों को नेताओं के द्वारा या पार्टियों के द्वारा हल किया गया, विकास के नाम पर आज भी हम लगभग पिछड़े ही हैं। ये उनका प्रश्न था। मैंने गोगांव में जो हमारा मुस्लिम समाज है, छोटेपन में मैंने ये देखा कि वहाँ का खत्री समाज एक गठड़ी बांध के आता था और गली गली चिल्लाकर कपड़े बेचता था। आज नेपाल में दुकानें हैं। आज सबसे बड़ा व्यवसाय, अगर खरगोन के व्यवसाय बाकी व्यवसाय को, कपड़ा व्यवसाय को अगर ठप किया है तो गोगांव के खत्री समाज ने। बहुत अपनी हैसियत से 20 गुना वो आगे बढ़े हैं। अब रहा सवाल कि विकास का, तो केवल आप एक काम करें, गोगांव में जो कब्रिस्तान है, मेरे कार्यकाल में 3-3.5 लाख रुपए दिए, वहाँ सारी बाउंड्री वाल, ट्यूबवेल, मोटर, पाइपलाइन, बगीचा, वहाँ का सड़क निर्माण, वहाँ की जो आवश्यकताएं थी हमने भरकस प्रयास किए कि उनको पूरी की जाए। और मुझे एक दिन बड़ी खुशी हुई थी, एक तरफ तो जमीनी स्तर पर बीजेपी के छुटभैया कार्यकर्ताओं को मुस्लिम के खिलाफ भड़काया जाता है। अभी 2 महीने पहले मोदी जी ने पूरे देश के जो वर्किंग कमेटी के लोगों को जब दिल्ली आमंत्रित किया, बैठक ली जी, तो उस बैठक में उन्होंने एक शब्द बोला था, मुझे बड़ा अचंभा हुआ था उस दिन, कि मुस्लिमों से सामंजस्य बना के चलें, उनके खिलाफ कोई वक्तव्य न दें। दिल्ली में तो वो बात बोली जाती है, और ज़मीन पर क्या हो रहा है ये आप भी देख रहे हैं और मैं भी देख रहा हूँ। किस दिशा में ले जाना चाहते हैं हम, किस दिशा में जा रहे हैं? कितना अजीब है, एक तरफ तो आप धार्मिक उन्माद की बात होती है, खरगोन में देख लो आप, अभी पिछले वर्ष दंगा हुआ नगर पालिका चुनाव के पहले, किसी ने मेरे से पूछा कि आपका क्या है इसमें, मैंने कहा एक बात बताओ, अभी नगर पालिका चुनाव आ रहे हैं, इसका फायदा किसको मिलेगा? तो जो 4 लोग खड़े थे उनमें से सभी ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी को। तो मैंने कहा फिर आगे क्यों कुछ पूछते हो, आप समझ लो इसको। अब मैं बताना चाहता हूँ आपको क्या हो रहा है इस देश में।
बड़ा अजीब लगता है साहब, किस दिशा में जा रहा है मेरा देश, बड़ा अजीब सा लगता है। सचमुच काफ़ी चीज़ें हैं जो अजीब सी लगती हैं जब दंगे होते हैं। तो आपने जैसे कहा कि राजनीतिक दल उसका यही मूल्यांकन करते हैं कि ये मेरे पक्ष में है या उसके पक्ष में है, ये मेरे विरोध में है या उसके विरोध में है। यानी मौतों पर भी राजनीति होती है और उन मौतों से भी राजनीतिक समीकरण निकाले जाते हैं, कोई फ़ायदे कोई नुकसान में। आपने, हम फिर से लौट के आते हैं खरगोन सीट जो काफ़ी चर्चित रहती जिला मुख्यालय है, और इस बार आपने भी चुनावी समर में उतरने का के लिए अपनी सहमति दे दी है। तो जो स्थानीय विधायक हैं, अभी कांग्रेस के विधायक हैं, तो क्या वो इस चीज़ को अपना विरोध नहीं मानेंगे, क्योंकि वो तो तैयार हैं इस बार फिर से लड़ने के लिए। क्या दिक्कत है, अगर उनको टिकट मिलेगा तो वो लड़ेंगे भाई। पार्टी अगर उनको टिकट देगी तो वो लड़ेंगे, उसमें कोई दो राय है। यानी सीधी सी बात है कि हाईकमान जो निर्णय करेगा वो, हाँ, उसमें कॉम्पिटिशन थोड़ी है। हम भी, हमारी भाई हर जगह ये होता है कि अपनी मांग सब रखते हैं। अब इसको पार्टी को सोचना है कि क्या करना है। मतलब आप इसको एक सामान्य प्रक्रिया के तौर पे ले रहे हैं, इसमें कहीं विरोध या इसमें कोई नहीं, सामान्य प्रक्रिया ही होना चाहिए। सामान्य प्रक्रिया ही होना चाहिए। और ऊपर हमारी पार्टी जो है वो सर्वे भी कर रही है। लेकिन इस स्थिति में ये भी होता है कि टिकट किसी एक को मिलता है लेकिन दूसरे वर्ग के जो असंतुष्ट होते हैं कहीं ना कहीं वो फिर साथ देने में थोड़े से पीछे हटते हैं। ये तो फिर आपकी क्षमताओं पर है कि आप कितना प्रभाव रखते हैं। कौन ने कहा, हर जगह कहीं 2%, कहीं 5%, कहीं 3%, कहीं 10 लोग, औसत 10% लोग हर जगह विरोध में होते हैं। अगले बार हमने देखा भारतीय जनता पार्टी के गली कूचे तक का कार्यकर्ता भाजपा के खिलाफ था। एक छोटा सा प्रश्न और आया था खरगोन के एक दर्शक है, उन्होंने ये प्रश्न किया था कि स्टूडियो में आप कोई भी राजनेता आए, किसी भी दल का आए, उससे आप ये वादा लीजिएगा कि खरगोन में मेडिकल कॉलेज के लिए वो समर्थन देंगे, क्योंकि कांग्रेस के एक नेता हैं, कांग्रेस नेत्री जो पूर्व स्वास्थ्य मंत्री रही, उन्होंने उसको महेश्वर शिफ्ट करा अपने क्षेत्र में, जबकि भौगोलिक क्षेत्र में आम लोगों की सुविधा इस जिले की देखी जाए तो उस हिसाब से महेश्वर एक तरफ हो जाता है और खरगोन जो है जिले का एक तरह से सेंटर है, यहाँ पर सभी कोई आ सकते हैं। तो उनका, दर्शक का यही कहना है कि खरगोन में अगर स्थापना के लिए बात आएगी तो आपके जो भी भाजपा या कांग्रेस जो भी स्टूडियो में नेता हैं वो ये हमको समर्थन व्यक्त करके जाएं, तो आप समर्थन करते हैं या विरोध करते हैं? मैं पद पे आऊं या ना आऊं, मेडिकल कॉलेज के पक्ष में मैं पहले भी था, जब जब भी मुझे इस काम के लिए बुलाया गया मैं बराबर खड़ा रहा। मेडिकल कॉलेज खरगोन को इसलिए आवश्यक है कि महेश्वर से इंदौर की दूरी 60 किलोमीटर, खरगोन से इंदौर की दूरी 150 किलोमीटर, सिरवेल का आदिवासी महेश्वर अगर जाएगा 150 किलोमीटर नहीं, 70 किलोमीटर तो सिरवेल, हाँ, और वहाँ से फिर 150 किलोमीटर खरगोन, फिर वहाँ से 150 किलोमीटर। तो मेरा मतलब ये है कि ये मध्यम क्षेत्र है, मध्य क्षेत्र है, महेश्वर इंदौर जिले की सीमा से लगा हुआ है। वहाँ का जो उधर का क्षेत्रीय कार्यकर्ता है जो इंदौर से लगा हुआ है उसको तो इंदौर नज़दीक पड़ रहा है, परंतु इस क्षेत्र का जो कार्यकर्ता है, जो मरीज है जी, उसको तो खरगोन ही। और फिर एक बात और है, खरगोन जिला मुख्यालय, ये विडम्बना है कि उस समय के कौन लोग थे, कैसे लोग थे, जिला अस्पताल बड़वानी, जिला न्यायालय महेश्वर मंडलेश्वर जी, क्या आज भी ये मांगे जिला मुख्यालय से की जा रही हैं कि इन सभी जो जिला चिकित्सालय तो खैर यहाँ आ ही गया, लेकिन जो जिला न्यायालय है उसको खरगोन लाया जाए, ऐसी कई चीज़ें जिनको यहाँ जिला मुख्यालय पे शिफ्ट करने की बातें चल रही है। इसके कारण बहुत सारी विसंगतियाँ आती हैं, एक व्यक्ति को वो क्षेत्र बहुत दूर पड़ जाता है, एक को पास पड़ जाता है। एक
अंतिम में प्रश्न आपसे करना चाहूँगा, खरगोन विधानसभा चुनाव के लिए आप तैयार हैं, खरगोन शहर की जहाँ तक हम बात करें तो कई समस्याएं यहाँ पर हैं, जैसे इस शहर का जो विकास होना चाहिए, जैसे आबादी का विकास, तो वहीं की वहीं आबादी बस्ती जा रही है, ना सड़कें इस शहर की बढ़ी हैं, आपने स्वयं देखा होगा गलियां बढ़ी हैं लेकिन मुख्य मार्ग शहर के आज भी वही हैं, तो ना यहाँ पे व्यावसायिक प्रतिष्ठान जो आउटसाइडर बनना चाहिए, यहाँ पे ट्रांसपोर्ट नगर है, ऐसी कई समस्याएं हैं। जल आवर्धन अभी तक योजना चल रही है पूरी नहीं हो पाई है, कई समस्याएं हैं इस शहर में जो दूर नहीं हो पाई हैं। आपकी नज़र में ऐसी कौन सी सबसे बड़ी समस्या है जिसे आप सबसे पहले दूर करना चाहेंगे? कुंदा की सफाई। आज कुंदा की स्थिति यह है कि मेरे कार्यकाल में मैंने कोशिश की थी, जब कलेक्टर एन गोपाल रेड्डी थे, ये जो नीचे से जो कुंदा किनारे सड़क गई है, यहाँ पाइपलाइन डाली गई, शहर के गंदे पानी को निकालने के लिए पाइपलाइन डाली गई, तो उस पाइपलाइन में शहर से जब पानी जाएगा बहकर, तो उसके साथ जो कचरा जाएगा, उस कचरे की निकासी के लिए या उस कचरे को छटने के लिए कोई रास्ता अख्तियार नहीं किया गया। कैसे इंजीनियर थे, पहले दिन शुरू हुआ और दूसरे दिन रोड फट पड़ी, वो पाइपलाइन में सारा कचरा घुस गया। हमने इसकी योजना बनाई थी कि एक नाली साइड में बनाएंगे और उस नाली, खुली नाली के माध्यम से ये सारा गंदा पानी शहर का निकलेगा, पर वो मेरे हटने के बाद परिवर्तित हुई और वो पाइप के रूप में तब्दील हुई। आज शहर का गंदा पानी पूरा नदी में मिल रहा है। अब नदी में तो नीचे के भाग में गर्मी के दिनों में तो नदी का स्वच्छ जल तो नीचे जाता ही नहीं है, पूरे शहर का गंदा जल ही जाता है। ये स्थितियाँ बनी हुई कुंदा की। और जहाँ तक आपने जल आवर्धन योजना का कहा, तो मैं तो एक दूसरी बात कहना चाहता हूँ, आपको बड़ा अजीब सा लगेगा, गांव में मैं देख रहा हूँ सभी गांवों को खोद के पटक दिया है, नल तक लग गए हैं, सारा खर्च हो गया है, शहर में भी सारा खर्च हो गया है। इस योजना को 2 साल पहले पूरा हो जाना था, लोगों के घर में पानी पहुंच जाना था, शिवर की जो लाइन है उसने चालू हो जाना थी, 2 साल भी से ऊपर होने को आए, कहाँ है वो ठेकेदार, क्या कर रहा है प्रशासन कार्रवाई, क्या कर रहा है शासन कार्रवाई, ये सारी योजनाएं गुजराती ठेकेदारों को दे दी गई हैं और हम डरे हुए हैं कि गुजराती ठेकेदारों पर कोई कार्रवाई कर दी जाएगी तो हमारी सरकार मुश्किल में आ जाएगी। ये स्थितियां बनी हुई है निमाड़ में। आगे मैं कुछ बोलूं क्या? चलिए, आपसे बहुत सारे मुद्दों पर यहाँ पर चर्चा करी। वरिष्ठ कांग्रेस नेता पूर्व विधायक परशुराम डंडीर जी से हमने विधानसभा चुनाव को लेकर चर्चा करी, साथ ही इन विधानसभा चुनाव में निमाड़ क्षेत्र में खरगोन विधानसभा में उनकी क्या भूमिका होगी इसको लेकर भी हमने चर्चा करी। उन्होंने साथ ही इस चीज़ को लेकर भी सहमति दी कि अगर हाई कमान उनको टिकट देता है तो वो फिर से कांग्रेस के टिकट पर खरगोन विधानसभा सीट से लड़ने के लिए पूरी तरह तैयार हैं, और साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि आसपास के क्षेत्र में समर्थन भी है और लोग इस चीज़ को लेकर के चाहते भी हैं कि वो एक बार फिर से चुनावी समर में उतरें। उन्होंने शहर की समस्याओं को लेकर, क्षेत्र के औद्योगिक विकास को लेकर, कांग्रेस की सोच कल और आज को लेकर के कई बातें बताई, उनका अनुभव उन्होंने बताया। डंडीर जी, आज आप हमारे इस कार्यक्रम में शामिल हुए, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आने वाले समय में भी हम आपको यूं ही इन कार्यक्रमों में बुलाते रहेंगे और साथ ही करते रहेंगे अलग अलग मुद्दों पर राजनीतिक चर्चा। आज नेताजी हाजिर हो कार्यक्रम में बस इतना ही, आपसे अगले एपिसोड में फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार, कहीं जाइएगा नहीं, देखते रहिए HW24 न्यूज मध्य प्रदेश। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद कि कम से कम इस बहाने आप हमका हमारी सूरत तो लोगों को दिखा रहे हैं, जनता को दिखा रहे हैं, ये हम आपको धन्यवाद देते हैं। नेताजी हाजिर हो, नेताजी हाजिर हो, नेताजी।